आज जो है अक्षय कुमार जी का बर्थडे है और कल वो मेरे सपने में आए थे, मेरे साथ खड़े रहकर केक काट रहे थे और केक का सबसे पहला बाइट उन्होंने मुझे ही खिलाया था। मैं भी उन्हें केक खिलाने वाला था लेकिन फिर रियल लाइफ में किसी ने फ्लश चला दिया। सो आई डोंट नो इफ आई बिलीव इन गॉड और नो, बट आई डेफिनेटली बिलीव इन प्रेइंग टू गॉड व्हेन एवर आई हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ। पीपल से दैट मेक्स मी वेरी सेल्फिश, बट द वे आई सी इट इज दैट एटलीस्ट इट मेक्स मी वेरी ऑनेस्ट। और कभी कभी जो है हम लाइफ में अपना फेथ चेंज कर लेते हैं, जैसा हम अपना फोन नंबर पोर्ट करते हैं वैसा ही कभी कभी हम अपना भगवान भी पोर्ट कर लेते हैं। तो पहले जो है मैं लॉर्ड कृष्णा की बहुत पूजा करता था और एक दिन पूजा करने के बाद मैंने न्यूज़ पढ़ा और पढ़ा कि स्पाइसजेट का पिछले साल का प्रॉफिट था 225 करोड़ और उनके कुछ 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा कि अक्षय कुमार एक आदमी ने पिछले साल 445 करोड़ कमाए। तो मैंने सोचा यार ये तो मेरे नए भगवान होने चाहिए। सो आई पोर्टेड फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा टू लॉर्ड अक्षय कुमार एंड आई स्टार्टेड टू कॉपी हिम इन एवरी वे पॉसिबल। लाइक अर्लियर आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड से हाई आई एम सतीश टोरानी। अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं बोलता हूं हाई आई एम सतीश खिलाड़ी टोरानी कुमार। मैं घर पहुंच के मैंने अपनी वाइफ को बोला आज से तुम्हारा पेट नेम टीना होगा और तुम्हारे हॉबीज होंगे इंटीरियर डिजाइन और किताबें लिखना। शी सेड येड़ा हो गया क्या तू। मैंने बोला देखो अगर टीना अक्षय से ऐसे बात करती है तो मैं येड़ा बनने को भी तैयार हूं। आई जॉइन माई 8-year-old डॉटर्स कराटे क्लास, शी इज अबाउट 3.5 feet टॉल एंड शी इज ऑलरेडी अ ब्लू बेल्ट। आई एम क्लोज टू 6 feet टॉल, आई वोंट मेंशन माई एज एंड आई एम अ वाइट बेल्ट। मैंने अपने कराटे सर से पूछा कि अक्षय कुमार बनने को कितने साल लगेंगे। ही सेड 4-5 घंटे रोज मेहनत करो 20 साल में बन जाओगे। एंड आई थॉट 20 साल मेहनत करूंगा एंड बाय देन माई एज विल बी एम्बैरेसिंग, बट आई वॉज नॉट अशेम टू गो फॉर द क्लास। माई डॉटर वॉज अशेम टू हैव मी देयर। आई ऑल्सो स्टार्टेड टू शेव माई चेस्ट हेयर जस्ट लाइक अक्षय कुमार। एंड बाय द वे देयर इज नथिंग माचो अबाउट हैविंग चेस्ट हेयर। द गाय हू स्प्रेड दिस रूमर बेसिकली डिड इट बिकॉज ही कुडंट स्कोर एनी चिक्स जस्ट बिकॉज वुमेन फाउंड हिम वेरी पोकी। मैंने सुबह 4:30 बजे उठना शुरू किया उनकी तरह। इनफैक्ट मैं एक डबिंग आर्टिस्ट के पास गया और उनकी आवाज में ही मैंने एक अलार्म भी रिकॉर्ड किया जो कुछ ऐसा था, उठो वत्स 4:30 बज चुके हैं, उठो और मेहनत करो। ये अलार्म सुन के मैं उठता था। 6:30 सनसेट के बाद मैंने खाना बंद कर दिया। मैंने अपने मंदिर में भी उनका एक अच्छा सा फोटो रखा और साइड में मैंने सलमान खान का भी एक छोटा सा फोटो रखा क्योंकि वो तो छींक मारकर 100 करोड़ बना सकते हैं। और मैंने सुना कि वो हर शुभ कार्य के पहले माता की पूजा करते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया कि जब भी किसी को झूठ बोलना है उससे पहले मैं जय माता दी कहूंगा। ओके माय डैड टोल्ड मी तुम अभी अक्षय कुमार के नक्शे कदम पे चल रहे हो। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि ही नाउ मेक्स 54 करोड़ फॉर वन मूवी जिसका शूटिंग शायद 2 महीने में खत्म होता होगा, तो वो अब इतने पैसे बना रहे हैं, तुम्हारा इस विषय के बारे में क्या जवाब है। एक्चुअली मैं डीप थॉट में पड़ गया और मैं सोच रहा था 54 करोड़ पर मूवी नॉट बैड। वो क्या सोच रहे थे, मैं भी कहूंगा कि मैं 2 महीने में 50 करोड़ बनाने वाला हूं, मुझे थोड़ी अपने भगवान से कंपटीशन करना है यार। तो 3 महीने तक सब ठीक चल रहा था लेकिन फिर लगा यार ये लॉर्ड अक्षय कुमार को फॉलो करना बहुत टफ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होता था रियलिटी, मैं 4:30 बजे उठता था और 4:45 बजे वापस सो जाता था।
मैं 6:30 बजे सनसेट के बाद खाना खाना बंद कर देता था और मून राइज पर वापस खाना खाना शुरू कर देता था। मैंने उनका एक आइस बकेट चैलेंज का वीडियो देखा जहाँ पे 8 डिग्री ठंडे टेम्परेचर में टेरेस पे 4-5 बाल्टी पानी उनके लोग उन पे फेंक रहे हैं। मैं इंस्पायर हो गया उससे, मैं भी अपने टेरेस पे गया 28 डिग्रीज ह्यूमिडिटी में और मैंने अपने जमादार को बोला अब 4-5 लोटा पानी फेंको मेरे ऊपर। एंड आफ्टर दैट आई टुक अ क्रोसिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा वो कैसे स्टंट्स करते हैं वो तो आपको पता ही है, मतलब वो अपनी लाइफ से पंगा लेते हैं यू नो। मैंने सोचा मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। एक दिन मैं 150 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और मैंने एक सेल्फी लिया सिग्नल पहुंचने के बाद। तो वो अपनी लाइफ के साथ पंगा लेते हैं, मैंने मुंबई ट्रैफिक ऐप के साथ पंगा लिया। अच्छा मैंने सुना वो चैरिटी भी बहुत करते हैं अपने हार्ड अर्न मनी से, तो मैंने सोचा मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अब मैं दिन में 4 घंटे काम करता हूं तो मैंने 4 से 3 कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि वो 1 घंटे का बेनिफिट कोई और उठा सकता है करेक्ट तो वो मेरी चैरिटी होगी। मैं सोच रहा था मान लीजिए मेरी मुलाकात उनसे हो जाती है, फिर अगर मैं उनसे पूछूं कि मुझे आपकी तरह थोड़ा फिट होना है मैं क्या करूं, वो मुझसे क्या कहेंगे, देखो मैंने बिना सप्लीमेंट नेचुरल एक्सरसाइज से 8 पैक बनाए, तुम कम से कम 2 पैक तो बनाने की कोशिश करो। मैं सोचूंगा हाँ यार लेकिन मुझे तो कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा अगर मैं उनसे पूछूं हाउ कैन आई बिकम रिच लाइक यू, वो बोलेंगे मैंने अपनी मेहनत से $150 मिलियन का नेटवर्क बनाया है। और मैं सोचूंगा हाँ और मैंने 150 रुपये आज खर्चा किया यहाँ परफॉर्म कर रहा हूं। वही तो रेट चल रहा है ना अपने ओपन माइक में परफॉर्म करने का। अच्छा उनके सेंसेस भी कितने एनलाइटेंड होंगे, जैसे अब देखिए हम सब में नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है, वो अंदर की आवाज़ ना जो हमें हमेशा डराते रहती है। जैसे यहाँ परफॉर्म करने से पहले मेरी अंदर की आवाज़ ने मुझसे कहा गेट अ रियल जॉब डूड। अब मान लीजिए अक्षय कुमार की अंदर की आवाज़ उनसे बात करती है और कहती है अक्षय तुम किस एज तक इतनी मेहनत कर पाओगे, वो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से क्या कहेंगे। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक काम करे अपन सुबह 4:30 बजे मिलके बात करें क्या। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक भी बोलेगा अरे लेकिन वो तो मेरे सोने का टाइम होता है यार, तुमको तो कुछ समझाना ही बेकार है, तुम एक काम करो तुम पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ ही रह लो जिंदगी में। अच्छा मेरे घर में है ना कभी कभी मच्छर आ जाते हैं रात को सोने के टाइम, तो जब मैं ऐसे करता हूं ना मैं मच्छर पकड़ भी नहीं पाता। अब मान लीजिए लॉर्ड अक्षय कुमार सो रहे हैं और नींद में उनके आसपास एक मच्छर आ जाता है, वो मच्छर को कैसे पकड़ेंगे मैं बताऊं, ऐसे और फिर बोलेंगे टीना दैट वाज अ 42nd मस्कीटो आई हैव कॉट दिस ईयर। ओके एक्चुअली दैट जोक वाज रॉन्ग, उनके घर में मच्छर नहीं आते होंगे। तो बहुत मुश्किल था उनको फॉलो करना, उनके सारे रूल्स में से है ना मैंने एक ही रूल रिलीजियसली हमेशा के लिए मैं फॉलो करूंगा। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं हर रोज 1 पीस मिठाई का खाता हूं तो वो मैं कभी छोड़ने वाला हूं नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार लॉर्ड अक्षय अभी अपना जम नहीं रहे, फ्रॉम लॉर्ड अक्षय आई पोर्टेड बैक टू लॉर्ड कृष्णा। सो नाउ एवरीथिंग इन लाइफ इज वेरी चिल्ड आउट यू नो, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज एक्चुअली अ वेरी चिल्ड आउट गॉड। मैं आपको बताता हूं क्यों। मान लीजिए वो आसमान में है, नारद मुनि इनसे जाके कहते हैं कि इंडिया में किसी का जॉब चला गया, मैं बेचारे को क्या बोलूंगा, वो बोलेंगे उसको बोलो चांट हरे कृष्णा। अच्छा एक बिजनेसमैन है बोल रहा है मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, उसको क्या बोलूं, उसको बोलो चांट हरे कृष्णा। अच्छा इमरान खान बोल रहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 विड्रॉ हो गया, उसको क्या बोलूं, उसको भी बोलो चांट हरे कृष्णा। अच्छा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी को और इम्प्रूव करने वाले हैं और इकोनॉमी के लिए कुछ मेजर्स लेने वाले हैं, मैं सबको क्या बोलूं, पूरे इंडिया को बोलो चांट हरे कृष्ण। आई एम ग्लैड यू ऑल एग्री।
सो यू सी ही इज वेरी वेरी चिल्ड आउट. अच्छा, उन्होंने अर्जुन को भी क्या बोला था, तू पीछे बैठ ना आराम से, घोड़ा गाड़ी मैं चलाता हूँ, तू काय को टेंशन है. तो एक दिन है ना, मैं हरे कृष्णा चांट करते करते सो गया और कान्हा मेरे सपने में आए. कान्हा इज पेट नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा. और वो बुलाए मुझे, सतीश डूड कम हियर. मैंने कहा बोलिए कान्हा. ही सेड तेरे को मैं अक्की की सच्चाई बताऊं क्या. अक्की इज पेट नेम फॉर अक्षय कुमार. आई सेड बोलो कान्हा, जल्दी बोलो, क्या है अक्की की सच्चाई. ही सेड देख तेरे को मालूम है ना कि लॉर्ड विष्णु जो है वो हर युग में रूप बदल कर वापस आते हैं. तो तू समझ गया ना कि इस युग में वो किसका रूप बदल कर वापस आए हैं, लोगों को मेहनत सिखाने के लिए. सो आई वॉज लाइक थैंक यू, दिस इज अ रिलीफ ऑफ माई हेड. वही मैं सोच रहा था, इतना मेहनत तो इंसान नहीं भगवान ही कर सकता है. फिर उन्होंने कहा देख मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओ माई गॉड फिल्म में भी उन्होंने मेरा रोल चुरा लिया था. किसी को बोलना मत. आई सेड नहीं नहीं, योर सीक्रेट इज सेफ विथ मी. मैं कहा लॉर्ड शिव पार्वती लक्ष्मी को मिलने वाला हूं. हाँ, ये अलग बात है कि अभी गणपति बप्पा ने किधर सुन लिया, बिकॉज ही कुड बी ईज ड्रॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर. वो तो सब जगह है, अभी उनका ही महीना चल रहा है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता. तो फिर मैंने पूछा, अच्छा कान्हा एक बात बताओ ना, एनी चांस आई एम अ रीइंकार्नेशन ऑफ समवन इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड. तो वो मुझे जवाब देने ही वाले थे, इट वॉज ऑन द टिप ऑफ हिज टंग कि तू है ना, तू इस महान आदमी का. लेकिन फिर रियल लाइफ में किसी ने फ्लश चला दिया और पीछे से एक आवाज आई, उठो वत्स, 4:30 बज चुके हैं, उठो और मेहनत करो. ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू सो मच.